गंगा, यमुना और सरस्वती की अरुण वर्णी त्रिधाराएं जिस बिंदु पर एकाकार होती है उसे संगम कहते हैं, पर जिनके व्यक्तित्व में प्रज्ञा, प्रेम, प्रतिभा, कला, कोमलता, कर्तव्य निष्ठा, सहयोग, स्नेह और सौहार्द की शत शत ज्योति धाराएं प्रवाहित हो, उन्हें क्या संबोधन दूं? एक गरिमामय व्यक्तित्व जिन्होंने अपने कर्म के ओज और सौंदर्य बोध के आलोक से जयपुर संभाग के प्रत्येक कर्मी में प्रेरणा भरी है, उनमें उत्साह का अभिसिंचन किया है और जिनके गंभीर दायित्व बोध, अविश्राम कर्मनिष्ठ उत्साह, ज्ञान की गंगा सब तक पहुँचाने को भागीरथ से किए प्रयास महान, ऐसे है हमारे उपायुक्त महोदय यशपाल, अति विद्वान, सरल, सौम्य व्यक्तित्व के धनी, दूरदर्शी एवं विद्यार्थी हित चिंतक उपायुक्त श्री यशपाल जी ने अपनी सादगी, सरलता, शालीनता और कर्मठता से सहज ही किसी को भी अपना बना लेते हैं। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही करिश्माई और चुंबकीय है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 जयपुर का यह परम सौभाग्य रहा है कि इस विद्यालय को उपायुक्त महोदय श्री यशपाल जी ने संभागीय स्तर की स्काउट गाइड, स्पोर्ट्स मीट तथा नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना और राष्ट्रीय स्तर तक सहभागिता का अवसर प्रदान किया, जिसके लिए विद्यालय सदैव उनका ऋणी रहेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त महोदय श्री संतोष कुमार मल के सीमा सुरक्षा बल पोकरण के केंद्रीय विद्यालय में पधारने पर उपायुक्त महोदय श्री यशपाल जी ने बड़ी सहृदयता से उनका स्वागत किया और जयपुर संभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराया। साथ ही उनके दिशा निर्देशों की अनुपालना पूरी निष्ठा से करने का उन्हें विश्वास भी दिलाया। श्री यशपाल जी की दूरगामी और सकारात्मक सोच तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनके अभिनव प्रयोगों और नवाचारों ने राष्ट्रीय स्तर पर अमिट छाप छोड़ी है। केंद्रीय विद्यालय जयपुर संभाग के प्राचार्यों और अध्यापकों को भी उनके सानिध्य में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यशपाल जी की पैनी निरीक्षण दृष्टि के सभी कायल रहे हैं। कुछ प्राचार्य अपने भावों के वेग को इसीलिए रोक नहीं पाए और उन्होंने उपायुक्त जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व को शब्दों में बांधने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मुंबई जीत के निदेशक श्री एन आर मुरली जी ने उनके व्यक्तित्व पर कुछ इस तरह प्रकाश डाला है जो उनकी अनूठी कार्यशैली व जीवन शैली का परिचायक है। निश्चय ही जयपुर संभाग के सभी प्राचार्य, उप प्राचार्य, अध्यापक गण एवं विद्यार्थी आपके देखे सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड एंड कलीग मिस्टर वाईपी सिंह, इट्स अबाउट 2 decades बैक that we came across each other when I was posted to Jabalpur and you were posted in Kirandul. Time has flown so fast. Though we didn't have the opportunity to work together in any of the offices, any of the regions thereafter, but still we had many occasions to be in touch. We had lot many pleasant interactions. And even as recently as last year, I had a requirement to visit Jaipur, and you were kind enough to extend your warm company. I fondly remember and cherish all those memories. I can recall the kind of reputation that you have earned in your distinguished career in KVS. I had listened to lot many successful efforts of yours, not from your mouth but from the words of other people, and in all these things what perception that I have about you is that you are not just a pleasant person but you are also a very effective and efficient administrator. Since everyone has to serve for a specific period of time in their lives, and that time is coming to an end to you in this organization today, but then life has other forms for everyone, and you too have that particular form to be looked forward to. I wish and pray that your next phase of life is equally successful and more importantly pleasant and peaceful. May I request the Lord to give you the best of health and best of mind in the days to come. Thank you and all the very best, my dear OPC.
केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग के माननीय उपायुक्त परम श्रद्धे श्रीमान यशपाल सिंह जी, जो कि आज दिनांक 31 अगस्त 2020 को सुपर एनिमेशन के कारण सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपके विशाल व्यक्तित्व को चंद शब्दों में व्यक्त करना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी पिछले 2 वर्षों के दौरान प्राप्त सीमित अनुभवों के आधार पर आपके विशाल व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति एक पंक्ति के माध्यम से करना चाहूँगा, जो इस प्रकार है। बहुआयामी व्यक्तित्व जो चिंतन से ज़्यादा अनुभव के धरातल पर विकसित हुआ है। आपके व्यक्तित्व में उन सभी मानवीय सद्गुणों का समावेश है जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक हैं। आपके अंदर एवरल ऊर्जा प्रभाव, उत्साह, उमंग एवं आनंद के साथ कार्य करने की अद्भुत क्षमताएं हैं, जो प्रयोजनवाद से आदर्शवाद की ओर अग्रसर पथ पर सदैव आगे बढ़ने को प्रेरित करती रहेंगी। आपके संरक्षण में जयपुर संभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपके प्रशासन का मूल मंत्र कुछ इस प्रकार है, मुझे वाद विवाद नहीं संवाद चाहिए, वाद यंत्रों से निकला हुआ संगीत नहीं प्रकृति में निहित अनाद नाद चाहिए। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखद भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे परम आदरणीय उपायुक्त महोदय श्रद्धेय श्रीमान यशपाल सिंह जी की, जो आज अपना स्वर्णिम सेवा काल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैंने पिछले 2 वर्षों में आपके सानिध्य में रहकर आपके जीवन दर्शन का अनुभव किया व आपके व्यक्तित्व को जितना कुछ समझ पाया। आप सहजता, सरलता व स्वाभाविकता के धनी हैं। अपने नैसर्गिक व्यवहार, भाषा एवं समझाने के तरीके से जनमानस के बहुत निकट हैं। आपने सदैव बाल हित, शैक्षिक सुधारों व समाज सुधार के मुद्दों पर अपने अनुभव व चिंतन से प्रबल स्वर प्रदान किया है। अपनी दूरगामी सोच व समस्त विद्यालयों को रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं नव स्वरूप प्रदान किया है। रूढ़िवादिता को छोड़कर नव सृजन पर बल दिया है। प्रतिभा सम्मान में विश्वास व्यक्त किया है। हल्के रहोगे तो ऊंची उड़ान भरोगे। इतिहास सुनाना नहीं रचना है का संदेश प्रदान किया है। मैं इस पावन पर्व पर आपके सुखी, स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन हेतु ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री यशपाल सिंह जी, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग को आपकी सफलतापूर्वक सेवानिवृत्ति पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके मार्गदर्शन में मुझे कार्य करने का मौका मिला। आपके गरिमामय विचार, व्यक्तित्व एवं उत्साहवर्धन से कठिन कार्यों को सहजता से करने की प्रेरणा मिली। सर, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद आप अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करें एवं हमेशा निरोगी बने रहें। धन्यवाद। परम सम्मानीय उपायुक्त महोदय श्री यशपाल सिंह जी द्वारा जयपुर संभाग के मुखिया के रूप में दी गई सेवाएं अविस्मरणीय रहेंगी। आपने अपने अथक प्रयासों से केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। कर्तव्य के प्रति निष्ठा भाव और समर्पण की जो मिसाल आपने हमारे हृदय में जलाई है, वह सदा जलती रहेगी व हमारा पथ आलोकित करती रहेगी। सेवानिवृत्ति के बाद आप सह परिवार सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहें और अपनी ज्ञान रूपी गंगा से देश व समाज के कोटि कंठों की प्यास बुझाते रहें, ऐसी हमारी कामना है, अभिलाषा है। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्सव कर्माणि। निष्काम कर्म योगी माननीय उपायुक्त महोदय श्री YP सिंह सर का व्यक्तित्व हमेशा गीता के इस महान श्लोक को इंगित करता रहा है। निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है और जीवन का आधार है। माननीय उपायुक्त महोदय श्री YP सिंह सर का विराट व्यक्तित्व हमेशा विजनरी लीडर की पहचान रखता है। केंद्रीय विद्यालय जयपुर संभाग में DC के रूप में कार्यकाल शुरू करते ही परसिस्टेंट एवं इनोवेटिव आइडियाज के तहत क्लीनिनेस मैसेज एवं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के रूप में सभी KVs को क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। द बेस्ट विशेष टू द
परफेक्ट एजुकेशनल पर्सनालिटी श्री वाई पी सिंह सर फॉर द रिटायरमेंट लाइफ. दिस न्यू जर्नी विल गिव द न्यू डायरेक्शन अगेन फॉर सोसाइटी विद हेल्दी लाइफ इन द फ्यूचर. थैंक यू सो मच एवरी वन. हम सबके परम आदरणीय यशस्वी श्री वाई पी सिंह सर को सहस्नेह सादर प्रणाम. छोटे से गांव से निकलकर केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसे प्रतिष्ठित संगठन के उपायुक्त पद को सुशोभित करना विलक्षण प्रतिभा का अद्वितीय उदाहरण है. सर का विशाल एवं विराट व्यक्तित्व हमेशा हम लोगों के लिए उदाहरणीय, अनुकरणीय और प्रेरणा स्रोत रहेगा. न भूतो न भविष्यति एक शिक्षाविद कभी भी रिटायर्ड नहीं होते हैं. उनकी सकारात्मक ऊर्जा एवं कार्य से जगत हमेशा दैदीप्यमान रहता है. आज जब सर कर्म क्षेत्र में समर्पित जीवन जीने के बाद अब अध्यात्म क्षेत्र की ओर अग्रसर हैं, तब अनायास ही मन आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय जीवन और आत्मिक प्रगति के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं कर उठा है. नेह पुष्पों से सुगंधित आपका संसार हो, एकता की डोर में लिपटा सकल परिवार हो, और विधाता का अनुग्रह आप पर बरसे सदा. है यही बस प्रार्थना, सुखमय सकल परिवार हो. हमारे प्रिय यशपाल सर की सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं उनके मनोभावों को अपने शब्दों की तुलिका से चित्रांकन करने का प्रयास करने जा रहा हूँ. उनके शब्दों में ये न समझना पारी मेरी खत्म हुई, क्यों समझ रहे हो रहा हूँ निवर्त सेवा से संघर्ष की पिच पर संजोया है हर रन अनुभव का. अब जीना अपने सपनों को पर दूर न रह पाऊँगा संगठन से मैं. बारिश का मौसम, चाय का कप और फुर्सत के लम्हों में कर रहे हैं इंतज़ार मेरा जिंदगी. आ रहा हूँ मैं खेलने फिर से, सेकंड इनिंग अब होगी शुरू मेरी. थैंक यू सर. हेलो एवरीवन, आई एम तनु खुराना, टीजीटी इंग्लिश फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय आईएसए माउंट आबू. आई एम हाईली ऑनर्ड टू डिलीवर फेयरवेल स्पीच फॉर आवर मोस्ट एरुडाइट एंड रिस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर सर मिस्टर यशपाल सिंह. इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू से दैट we must recognize and appreciate all the valuable skills and knowledge he has imparted to my fraternity and future of our nation, our students. Whenever I saw him addressing at any conference, event or program, he is always quite motivating and futuristic. He always emphasized on creating e-learning as well as creating our own thoughts and methodology. Thank you. मुझे श्रीमान यशपाल सिंह जी उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग के मार्गदर्शन में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ. उनके गुणों पर प्रकाश डालना सूरज को दिए दिखाने जैसा होगा. उनका मिलनसार व्यक्तित्व, मुस्कुराता चेहरा, प्रेरणादायी उद्गार, सरल एवं सरस भाषा का प्रयोग मृत व्यक्ति में भी प्राण फूंक देता है. सरलता, सौम्यता व सादगी की अद्भुत पहचान है आप. कर्मठता की अनूठी शान है आप. केंद्रीय विद्यालय के दैदीप्यमान गगन पर ज्ञान कोश रूपी नक्षत्र हैं आप. माननीय उपायुक्त महोदय, केंद्रीय विद्यालय जयपुर संभाग, श्री यशपाल सिंह सर, आपका हार्दिक अभिनंदन. सर, आपने हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन किया है. आपकी भाषा शैली, आपके सरल सौम्य स्वभाव ने हम सभी को प्रेरित किया है. सकारात्मकता से ओतप्रोत आपके विचारों ने हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार किया. यह हमारे लिए एक दुख की घड़ी भी है कि आप केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन आपका मार्गदर्शन जीवन भर हमें पथ प्रदर्शित करेगा. हम सभी आपके उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं. धन्यवाद. I'm feeling privileged to speak on our honorable DC sir's superannuation, the golden second inning of life we all eagerly wait for. Being a good human being with high moral values is the utmost quality that I observed and we all seek for. At some occasions, I got chances to hear from you, sir. It is always a new learning, whether it is PISA or ACP, and above all, in the hard times of COVID-19, the webinar conducted for the teachers has really been an energy booster and motivator. The time when many of us were really finding ourselves helpless. A down-to-earth and realistic approach is something that makes you a real hero. Sir, I wish you very, very best wishes on this occasion on behalf of the teaching fraternity. I would like to say,
Men may come and men may go, but you are an inspiration forever and ever. Hope you will enjoy the journey ahead. Urjavan, Karamveer, Mahan Shikshavid, evam hamare prerna srot, Mananiya Upayukt Mahoday ko Sevanivritti ke is shubh avsar par dher sari shubhkamnaen. Shriman, aapke kushal netritv aur prabandhan mein Jaipur sambhag ke liye aapke dwara kiye gaye uttam karya हमेशा यादगार रहेंगे। हम सब आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं खुशहाल जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। श्रीमान जी, आपने जयपुर डिवीजन में डिविजनल कमिश्नर के रूप में डिवीजन की स्काउट गाइड गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज आपका रिटायरमेंट है, अतः इस अवसर पर मैं रीजन के सभी स्काउट गाइड, स्काउटर गाइडर्स और सभी ऑफिशियल की तरफ से आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाए और उसमें एक दूसरे की प्रतिभा को देख करके, नई नई आर्ट फॉर्म्स को देख करके और बच्चों को उससे जोड़ा जाए। आज के समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, हमारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ एकेडमिक्स, मैथ, फिजिक्स, साइंस उस पर लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी, आपका ड्राइंग है, आपका डांस है, इनसे हम धीरे धीरे दूर लेके जा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि बच्चों का जो एक भावनात्मक विकास होना चाहिए वो उस स्तर पर नहीं हो रहा है। IQ तो डेवलप हो रहा है बट EQ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है।